वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक यू जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी सेक्शन, यानी बड़ा ऑपरेशन करवाने के बाद जब आप घर पे जाते हो, रिकवरी का टाइम होता है, इस दौरान में आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या एहतियाती तदाबीर है अपने तौर पर, आपको क्या करना चाहिए, या फिर अगर आपके डॉक्टर आपको मशवरा क्या दे सकते हैं, आज की वीडियो में ये जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बाइक आइकन पर वीडियो क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, किसी सेक्शन ऑपरेशन के बाद घर पर आप क्या करें या क्या एहतियाती आपको करनी चाहिए। ऑपरेशन के बाद इससे रिकवरी के अमल के दौरान गर्भवत एक बेसकूनी या फिर बेचैनी और थकावट, ये जो है वो आम अलामत होती है, सिम्टम्स होते हैं सामने, जो कि खवातीन में जो जाहिर होती है, ये अलामत इनमें शामिल है। बेचैनी, बेसकूनी खवातीन को महसूस होती है, थकावट, यानी ये तीनों जो है वो ऐसे लोगों में अलामत जो है वो जाहिर होती है। सो जहाँ तक मुमकिन हो सके आप आराम करें, रेस्ट करें, अपनी और अपने बच्चे की जरूरत की तमाम चीजें जो है वो आपको अपने करीब या तो बेड पर साइड टेबल होती है तो बेस्ट है उस पर रखें, यानी अपने करीब ही इन चीजों को रखना है। अगर बेड की साइड टेबल्स नहीं है तो आप एक अलग से टेबल जो है जो घर में अक्सर मौजूद होती है, आप जो है उसको अपने करीब रख सकते हैं, उस पर चीजें जो है वो अपने बेड के या जहाँ पे भी आप मौजूद है वहाँ पे करीब रखते हैं, कि नहीं आपको ज्यादा हरकत करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आप हाथ बढ़ाए वो चीज को पकड़ लें, इतने फासले पर चीजों को जो आपकी जरूरत है उनको रख लें। अगर आपके पास कोई हेल्प हो तो जारी बात हो एक मेहनत हो सकती है जिनके पास होगी, चीजों को अपने करीब रखें ताकि जरूरत के वक्त आप खुद पकड़ सकें या फिर ज्यादा मेहनत किए बगैर ये चीज आपके पास मौजूद हो। शुरू के कई हफ्तों तक जारी बात स्ट्रगल होती है, एक कोशिश का एक अमल होता है, जारी बात जब तक रिकवरी नहीं होती है, इंसान नॉर्मल जब तक नहीं हो पाता है, तो अपने बच्चे की बॉडी यानी जिसम जितना वजन है बच्चे का, उससे ज्यादा की कोई चीज वजनी जो है वो इससे वजनी चीज बिल्कुल नहीं उठाए। इन शॉर्ट कि आपको कोई वजनी चीज जो है वो नहीं उठानी चाहिए और ना ही हिप या फिर पेट के निचले हिस्से पर आपको जो है वो जोर पड़ने वाली पोजिशन में जो आपको कोई भारी चीज जो है वो बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए, जिसको स्क्वीटिंग पोजीशन भी कहा जाता है। तो इस पोजीशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, जिसकी मिसाल जैसे कि पानी से भरी हुई जो बाल्टी है जब उठाते हुए, यानी ये चीज आप खुद भी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, तो आपके पेट के निचले हिस्से पर जो है वो जोर पड़ता है, जब आप ऊपर की तरफ उठा रहे होते हैं तो आपके हिप यानी कोल्हों पर और आपके पेट के निचले हिस्से पर वजन जो है वो जोर पड़ रहा होता है, और ये प्रेशर और जोर जब पड़ता है जो कहीं आपके पेट की जगह पर जब आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो इसलिए शुरू के हफ्तों में ऐसे वजन जो है वो कभी ना उठाएं, इन्हें अपने हाथों से जारी बात है, हर किसी के जिनके पास हेल्प नहीं होती है तो उनको जारी बात है मुझे जाना के बुनियाद पर जो काम होते हैं वो तो करने पड़ते हैं, लेकिन अगर कहीं जरूरत भी पड़े तो इतना वजन ना उठाएं, यानी आपको अगर बाल्टी भी उठानी है तो थोड़े से पानी थोड़ा थोड़ा पानी करके ले लें, यही जारी बात है अपने काम तो करना है इंसान को, तो इस तरह कर लें, ये भी उठा लें, या अगर मदद मौजूद है तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर अब जारी बात है सबके पास हेल्प नहीं होती, तो जिनके पास नहीं है तो आप थोड़ा बिल्कुल कम मकदार में लेकर भी उठा सकते हैं। और इसी चीज की एक और स्टोरी भी है, देयर इज अनदर साइड ऑफ स्टोरी, कि कुछ खवातीन जो होती हैं इवन ऑपरेट के काफी टाइम अरसे के बाद भी जो है वो यही बहाना रहता है कि मैंने वजनी चीज नहीं उठानी है, या मैं बच्चे को संभालने के लिए बैठी हूँ तो मैं बाकी काम नहीं करूंगी। यदि रिकवरी के बाद भी उनका ये कंटिन्यूसली ये एक मिस यूज कह लीजिए अपने इस हालत को, ये भी एक स्टोरी है, अगर आप इस चीज से अग्री करते हैं, आपने देखा चेक किया तो फिर अपना एक्सपीरियंस जो है वो कॉमेंट में लिखकर मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा कि आपने ऐसी खवातीन को या लड़कियों को देखा है जो इस पोजीशन, लेकिन दाई बात एक मिजरेबल पोजीशन होती है, यानी इंसान मजबूर होता है दूसरों की हेल्प लेने के लिए, तो लोग यहाँ इसी चीज का फायदा भी उठाते हैं कि बच्चे को पकड़ कर बैठ कर बहाना बना देना कि मैं अपने बच्चे को ये बैठी हूँ तो मुझे ये काम नहीं करना मेरा ब्रेक हुआ है, यानी ये भी चीज है और ये फैक्ट है। तो प्लीज अगर अग्री करते हैं तो कमेंट में जो लिखिएगा, डिसएग्री भी करते हैं जो भी वजह होगी उसको कमेंट में जो लिखिएगा। टॉपिक की तरफ आते हैं, तो वजन जो है वो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए शुरू के हफ्तों में, और आपको डॉक्टर पेशेंट से होने वाले जो काट या जख्म को ठीक होने के लिए जो मेडिसिन वगैरह दवाई दी जाती है, ये अदवियात जो है वो आपको ब्रेस्ट फीड करने वाली माओं के लिए जो है वो सेव होती है, यानी इस चीज को मद्देनजर रख के, यानी आपकी जो फीडिंग है बच्चे को फीड करने का जो अमल है, सही बात है डॉक्टर को खुद भी पता होता है कि जो माई फीड करवा रही होती है उनकी मेडिसिन जो है वो अलग से वो सजेस्ट करते हैं, और जो खवातीन बच्चों को दूध नहीं पिलाती है किसी वजह से, हालांकि दूध पिलाना जरूरी है लेकिन जो नहीं पिलाती है
तो उनके लिए ज्यादा बातें मेडिसिन जो है अलग से प्रिस्क्राइब की जाती है जो कि इनकी कंडीशंस के हिसाब से ही दी जाती है। ऑपरेट के बाद जख्मों को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो आपके लिए इंक्लूड रहती है, जिन्हें आप फ्री में जो है वो खा सकती है, चाहे वो फीड करने वाली माए खा रही हो। इसके अलावा दूध पिलाने वाली मदर्स माओ के लिए ये मेडिसिन जो है इंक्लूड होती है, जो कि यकीनन इस बात को मद्देनजर रखकर दी जाती है कि वो बच्चे को दूध पिला रही है। नेक्स्ट ये है कि सी सेक्शन के बाद आपको 6 हफ्तों तक अपने लाइफ पार्टनर या आपके हस्बैंड जो हैं या खाउंड जो हैं उनसे अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप या जिस्मानी ताल्लुक बनाने से जो है ग्रेस करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको जो है वो बहुत सारे इन्फेक्शन जो है वो अगर आप अवॉइड करते हैं तो ये चीज है वो आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से जो है वो बचाती है। यानी इस अमल से दूर रहने से आप जो खुद को महफूज ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के वाले से, उसको कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।